दमोह जिले की तेंदुखेड़ा नगर पालिका में पदस्थ सीएमओ प्रकाश चंद पाठक व अकाउंटेंट बाबू जितेंद्र श्रीवास्तव को लोकायुक्त की छापामार टीम ने निर्माण कार्य ठेकेदार से 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सर, ये सीएमओ क्या मामला है सर? यहाँ पर ठेकेदार बीएल बरेडिया द्वारा 15 तारीख को शिकायत की थी कि नगर परिषद तेंदुखेड़ा में सीएमओ सब इंजीनियर और लेखापाल द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। कार्य के एवज में उसको हमने तस्दीक किया, सही पाया और आज ट्रेप की कार्रवाई की गई। तो ट्रेप में लगभग 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सीएमओ और जितेंद्र श्रीवास्तव दोनों को पकड़ा है हमने और ट्रेप की कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें उपयंत्री भी आरोपी बनेंगे क्या? हाँ, उपयंत्री भी आरोपी है उसमें जी। उनके द्वारा भी डिमांड की गई है सर, तत्काल में इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी तत्काल में हूँ, अभी वो सर यहाँ उपस्थित नहीं है जी, सर कहीं बाहर है जी। हम उनसे पूछताछ करेंगे। सर, अभी रिश्वत का पैसा इकट्ठा एक ने लिया है कि सबने अलग अलग लिया है? दो लोगों से बरामद हुआ है, अलग अलग हुआ है जी। और टोटल जो राशि है वो 1,00,000 रुपए है। टोटल 1,00,000? 1,00,000 रुपए की राशि जी। ठीक है, आवेदक की जो है नाली निर्माण का कार्य था लगभग 11,00,000 का जी। और सीसी रोड 500 मीटर करीब जो है वो 19,00,000 का था। ऐसे लगभग 25 से 30,00,000 के कार्य के बदले में 11% करीब जो है ये डिमांड कर रहे थे जी। कुछ पैसे पूर्व में दे चुका है और अभी 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए हमने रंगे हाथों पकड़ा है जी। सर, सीएमओ के पास कितना पकड़ा सर हमने? और लगभग 40,000 रुपए की राशि सीएमओ से लगभग 40। और लेखापाल से सर? 60,000। खबर समय जगत के लिए दमोह से देवेश खरे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.